मैं हूं राजेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। हमारे बीच में जनपद महोबा के जिलाधिकारी महोदय हैं और आज मतदाता जागरूकता दिवस पर यहां पर आपके द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में बात करेंगे। सर, आज जनपद महोबा में और इस कलेक्ट्रेट के हॉल में आपने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है यहाँ मतदाता जागरूकता दिवस पर, तो इसमें क्या संदेश है सबके लिए? देखिए, हमारा कल हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था यूपी दिवस के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें हमने एक ह्यूमन चेन का वो किया था। कम से कम 2 किलोमीटर की चेन थी, जिसमें 2000 से 3000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उस श्रृंखला का ये हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे नए बच्चे हैं जी, जो 18-19 साल के युवा हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जान पाए मतदान के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं अपने जोश से बाहर आएँ और लोगों को ना केवल खुद प्रेरित हो, आसपास के अपने जो उनके साथी हैं, अपने अभिभावक हैं, उनको भी प्रेरित करें कि वो आगे जाके वोट करें। और उसी उद्देश्य से आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी, जो हमारा 14 साल से बनाते आ रहे हैं हम, उसमें भी आज हमने बच्चों को और अपने BLOs को और इन सबको EROs को बुलाया था। और उसका ये पर्पस था कि हमने अच्छा काम किया है, हमने अपनी जो निर्वाचन सूची है उसको हमने स्वच्छ कर लिया है, उसमें जो भी हमारे डेड वोटर्स थे, शिफ्टेड वोटर्स थे, उनको हटा लिया है। उसी के साथ साथ हमने बहुत सारे नए लोगों को जोड़ा है इसमें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीबन हमने 30,000 से ऊपर नए लोगों को इसमें जोड़ा है, और ये कभी महोबा के इतिहास में इतने लोगों को किसी एक स्पेशल रिविजन में नहीं जोड़ पाए। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। बट यहाँ पर हमारी अभी काम ख़त्म नहीं हो जाता, अभी हमारे को आगे और लोगों को जागरूक करना है और इंश्योर करना है कि हमारा जो मतदान प्रतिशत है उसमें, जो पहले से पिछली साल से जो मतदान हुआ उसमें अभूतपूर्व उसमें बढ़ोतरी हो पाए। उसी के लिए आज हमने लोगों को प्रेरित किया था, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, बच्चों में बहुत ही उल्लास था, हर्ष था, और बड़े जोश के साथ उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार मतदाता सूचियों में जो कार्य है वो लगातार चलता ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि मतदाता अपनी सूचियों को देख नहीं पाता है, और जब वो वोट डालने जाता है तो उसका नाम उसमें नहीं मिलता है। तो मतदाता को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसको ये जानकारी मिल जाए कि उसका नाम है उस सूची में? देखिए, एक मत है कि जिसमें सरकार प्रेरित करे लोगों को और आगे मतलब जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में आगे रखे, बट एक बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़े और निष्पक्षता से आगे बढ़े, तो उसमें ज़रूरी है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पब्लिक का। बट साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट ने सभी तरीके के ऑनलाइन टूल्स दिए हुए हैं। अगर आप जाएंगे तो हमारा ऐप है, उसमें वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है, उसमें आप जाके आप अपना नाम डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या बूथ नंबर है। उसी तरह आप किसी भी बूथ पे BLOs के साथ संपर्क कर सकते हैं। आप जो हमारे EROs हैं वो तहसील में हमारे SDMs हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे इसके बारे में ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लोगों को ये सुविधा दी है कि आप अपना नाम जोड़ भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि आपका किस पार्ट में नाम जुड़ा हुआ। जी जी, तो इसके प्रचार के लिए क्या क्या माध्यम उपयोग किए जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारा SSR जस्ट समाप्त हुआ है और हमारी फाइनल जो सूची है वो अभी जारी हुई है 23 तारीख को। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा कि हम स्वीप की एक्टिविटीज़ में अपने जो भी हमारे यहाँ पर हमारे जो आइकन्स हैं, जो हमारे संभ्रांत लोग हैं, उनको हम उनको यूज़ करेंगे। मीडिया से आप लोगों से हमारी निवेदन रहेगा कि आप निर्वाचन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ। और उसी के साथ साथ हम हमारे जो अपने टूल्स हैं, जैसे अभी हमने एक हमारी जागरूकता वैन है, उसको हमने अभी हरी झंडी दिखाई है, वो सभी बूथों पे जाएगी। ऐसी 2 वैनें हमने ECI के निर्देश पे हमने उसको क्रय किया है, और वो वैनें हर बूथ पे जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगी। उसी तरह हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, BLOs हैं, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे सब जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सभी विभिन्न पार्टी के लोगों से हमारी यही अपील है कि लोग सबको अपने तरीके से इस बारे में जागरूक कर पाएं कि लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा आएं और वोट करें। तो ये थे महोबा के जिलाधिकारी महोदय। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।